फेस्टिवल सीजन हो और फिर मन में कितनी सारी बातें आती हैं कि किस तरह से हम साजो सजावट करें, किस तरह से हम शॉपिंग करें और किस तरह से हमें चीज़ें मिलें कि हम अपने घर को सजा सके और उसको अट्रैक्टिव सा हम लुक दे सके। जैसे कि कोविड पीरियड है और कोविड के दौरान इसका इम्पैक्ट हर एक फेस्टिवल पर पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन हम पहुँचे हैं अभी महाराजा रिजेंसी में, जहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई है और यहाँ पे कॉस्मिक ब्लिंक्स जो थीम है उसके ऊपर ये एग्जीबिशन लगी हुई है और ये लगातार इसी तरह से एग्जीबिशन लगती है। लेकिन कोविड के कारण इस बार कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है और साथ ही सभी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं और अलग अलग स्टॉल लगी हुई हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग वेराइटीज़ यहाँ पे आई हुई हैं। जहाँ पे दिवाली आने वाली है, दिवाली के लिए तो सारी सजावट आपको मिल रहा है, साथ में आपने गिफ्ट्स भी देने होंगे तो गिफ्ट्स के लिए भी तमाम इंतजाम यहाँ पे हैं और अलग अलग वेराइटीज़ हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। और उसके साथ ही करवा, जो कि लेडीज़ के लिए बहुत बड़ा एक त्यौहार होता है, बहुत बड़ा एक इवेंट उन्होंने करना होता है, करवा को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो करवा को लेकर भी जो तैयारियां लेडीज़ चाहती हैं वो यहाँ पर आके विज़िट कर सकती हैं और जो उनके माइंड में चल रहा है कि हम इस तरह से नहीं, इस तरह से अपने करवा को हम सेलिब्रेट करें, तो फिर उसके लिए भी यहाँ तमाम स्टॉल लगाए गए हैं। तो आइए अंदर चल के देखते हैं कि दिवाली और करवा को लेकर क्या कुछ खास है और किस तरह के स्टॉल्स हैं, पहले नज़र डालते हैं। करवा के लिए आपने सारी कलेक्शंस यहाँ पे देख ली, ए टू जेड स्टॉल हमने चेक किए, बहुत ऑसम डिज़ाइंस के साथ सूट्स, ज्वेलरीज, मतलब ए टू जेड कलेक्शंस सभी पूरी की पूरी ऑसम है। तो आइए तमाम जानकारी हासिल करते हैं कि किस तरह की मतलब कि प्राइस किस तरह का होगा और इस बार दो दिन की एग्जीबिशन थी तो आज लास्ट डे है, तो किस तरह का रिस्पॉन्स रहा इसके बारे में भी जानते हैं। हेलो मैम, एग्जीबिशन कैसी रही आपकी? गुड, आज दूसरा दिन है, लास्ट डे भी है। Let's see. Hoping for the best. Okay. अब रिस्पॉन्स कल का कैसा रहा था? अच्छा था। अच्छा था। तो मैम, ये स्टॉल के बारे में बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन हमें देखने को मिली, तो करवा आने वाला है, लेडीज में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो पूरी जानकारी हमें दें। जानकारी तो ये दे सकते हैं कि जिनके वेडिंग सीजन है, वेडिंग पर्पज से लोग देख रहे हैं ब्राइट एंड कलरफुल चीज़ें, एंड प्लस करवा की बाइंग भी है लोगों की, पर मोर ऑफ वेडिंग, वेडिंग कंसेप्ट के साथ जिनके घरों में शादी है वो लोग ज़्यादा बायर्स, वो मतलब उनका ज़्यादा रुझान है फेस्टिवल्स को लेकर, मतलब उतना फेस्टिवल्स में है, बट मेरे को लगता है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन और वो सारी चीज़ें तो थोड़ा सा रेंज कंस्ट्रेंट है, पर जिनके घर में शादियाँ वो अच्छी बाइंग कर रहे हैं, वो
अच्छी बाइंग कर रहे हैं। तो अभी मैम ये जो कलेक्शन है कहाँ से लेकर आए हैं आप? मेरी कुछ कलेक्शंस दिल्ली से आते हैं, कुछ बॉम्बे से आते हैं। दिल्ली और बॉम्बे से कलेक्शन से बहुत प्यारी कलेक्शन है। थैंक यू मैम। प्राइस किस तरह का होगा अगर कोई? प्राइस स्टार्टिंग रेंज मेरे पास वुलन्स भी होते हैं, वुलन स्टार्टिंग फ्रॉम 1400 ऑनवर्ड्स एंड 13-14 हज़ार प्लस चीज़ें जाती हैं मेरे पास जो रेंजेस हैं। मैम हर साल एग्जीबिशन लगती है, तो इस बार कोविड का इम्पैक्ट किस तरह से रहा आपके इस एग्जीबिशन पे? ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग आ रहे हैं बट नॉट वेरी मच बायस, ऑन लुकर्स ज़्यादा हैं बट स्टिल वेडिंग जिनके घर में है उनके उनकी शॉपिंग तो हो ही रही। बिजनेस अभी के टाइम में कोविड के दौर में अगर हम बात करें तो किस तरह का इम्पैक्ट रहा? किस तरह से कि मतलब आप किस से? मतलब कि बिजनेस में अभी जैसे कि इनकम सोर्सेस में पिकअप हो रहा है मैम, स्लोली पिकअप हो रहा है, वी कांट से कि नहीं है बट पिकअप हो रहा है। फिर भी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो कितने परसेंट अब लग रहा है कि हो जाएगा? मैंने एग्जीबिशन एक पहले भी की है उसमें भी पिकअप रहा, इसमें भी है। मतलब अभी आज मेरे को लगता है वर्किंग डेज हैं तो थोड़ा लोग दोपहर 12-1 बजे के बाद जाने के बाद निकलते हैं, तो पीपल विल कम एंड पिकअप। ओके ओके मिक्स्ड वीकेंड से ऑनेस्टली मिक्स्ड। तो फिर ग्राहकों के लिए, उन सभी लोगों को, खरीदारों के लिए क्या कुछ मैसेज? हैप्पी करवा चौथ एंड हैप्पी वेडिंग सीजन फॉर एवरीवन। मैम स्टॉल हमने पूरा देखा, एग्जीबिशन, ये कलेक्शन लेके कहाँ से आए आप? हम एक्चुअली दिल्ली से हैं तो सारी कलेक्शन हमारी अपनी होती है, सारे डिजाइनिंग प्रिंटिंग सब अपना है। रिस्पॉन्स किस तरह का रहा? रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा है, बाकी अभी कल का दिन इतना अच्छा नहीं था, आज थोड़ा सा, फिर भी ठीक है। आज सेकेंड डे लास्ट डे भी है। हाँ जी, आज का रिस्पॉन्स कल से बेटर रहा। हाँ तो मैम ये स्टार्टिंग प्राइस क्या होगी इन सभी सूट्स की? स्टार्टिंग प्राइस हमारे पास 3500 से भी स्टार्टिंग है, वो अनस्टिच में आते हैं और मैक्सिमम हमारे पास 20,000 तक है। तो मैम जैसे कि दिवाली है, दिवाली को लेकर ज़्यादा खरीदारी हो रही है या फिर अब करवा भी है, लेडीज़ में काफ़ी एक्साइटमेंट है उसे लेकर, या फिर वेडिंग सीजन को ज़्यादा लोग देख रहे हैं? नहीं, ज़्यादा तो अभी करवा चौथ को लेकर ज़्यादा हो रही है। करवा चौथ को लेकर ज़्यादा हो रही है, लेडीज़ ताबड़तोड़ आ रही हैं और कलेक्शंस पूरी की पूरी मतलब की है कि हम बेस्ट लेके जाएं। हाँ जी, बेस्ट आ रही है। और अभी अगर हम बात करें, लास्ट टाइम जब एग्जीबिशन लगी थी कोविड का ऐसा कोई था नहीं, लेकिन इस बार इम्पैक्ट हर जगह है कोविड का, तो अभी आपने मतलब कि इस एग्जीबिशन पे क्या कुछ रहा? इस एग्जीबिशन पे भी वैसा ही है कि है तो कोविड का, तो मतलब अभी तो चलेगा ही जब तक है। तो उसका इम्पैक्ट अगर मैं बात करूं कि आप बिज़नेस एक तरह से है, तो फिर बिज़नेस पे इम्पैक्ट जो है कोविड का कितने परसेंटेज अभी तक है? परसेंट तो मतलब अभी तो है कि 50% तो है, इतना नहीं है कि जैसे पहले कोविड से पहले सेल थी, वैसे नहीं है अभी। वैसे नहीं है, होप सो मतलब ना कि बेटर के लिए हो। हाँ बहुत अच्छा होगा, आगे देखते हैं क्या होगा। और तमाम लेडीज़ के लिए, खरीदारों के लिए कोई मैसेज? बस यही है, अपना सेफ रहो, जहाँ भी जाते हो शॉपिंग करते हो सारी प्रिकॉशन लो, यहाँ आओ और सूट्स देखो और यहाँ से कलेक्शन आप उठाओ। हाँ कुमुद डिज़ाइन से। कुमुद डिज़ाइन से, शुक्रिया आपका। मैम ये सूट्स की इतनी यूनिक कलेक्शन हमें एग्जीबिशन में यही देखने को मिली है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दें। ये आप देखोगे ये ना बेस्ट पीस है यहाँ पे, इसके साथ आप ट्यूनिक्स या ट्यूनिक ऐसे सिंगल भी वेयर कर सकते हो, या इसके साथ टाइट्स पहनोगे तो अल्टीमेट लुक है। आजकल मॉडल्स करीना ये सब ये चीज़ें वेयर कर रहे हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे यहाँ पे। इसमें अलग अलग पैटर्न्स हैं, लाइक आप इसमें इसमें इस चीज़ में भी जा सकते हो। इसमें इनर्स आएगा, लॉन्ग अल्टीमेट लुक आएगी, सबसे अलग लगोगे, परफेक्ट कॉम्बिनेशन जाएगा। इसमें आपको हैवी में जाना है तो ये चीज़ आएगी, बस हो गया मेरा। मैम प्राइस कैसे स्टार्ट हो रहे हैं इनके? 2500 से रेंज स्टार्ट है, आपको हर रेंज मिलेगी, इकोनॉमिकल रेंज है एंड डिज़ाइंस आर अल्टीमेट। आज सेकंड डे है और लास्ट डे है, तो किस तरह से मतलब कि रिस्पांस रहा? रिस्पांस बहुत अच्छा है, एवरीबॉडी लाइक्ड इट, कलर्स कॉम्बो। करवा को लेकर लेडीज़ में किस तरह की एक्साइटमेंट देखने को मिले अभी तक? करवा में एक्साइटमेंट है, लिटिल बिट स्लो है बट है थोड़ा। कोविड का इम्पैक्ट किस तरह से रहा अभी तक के? मतलब कि पहले एग्जीबिशन जो होती थी और अब जो होती है, कोविड का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं? कोविड का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जो लोग बस्ट हो चुके हैं लेडीज़ घर पे इतने 6 महीने से कि हाई शॉपिंग है, कुछ नहीं हुआ, इस टाइम वो निकल के आ रही है कि कुछ चाहिए हमें। हाँ करवा आ रहा है तो हमने रेडी होना है।
तो चाहिए कुछ एक्साइटमेंट पूरी पूरी देखने को मिल रही है। थैंक यू सो मच मैम। आइए अब कस्टमर से जुड़ते हैं, जानते हैं कि एग्जीबिशन में आके उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या कुछ नया देखने को इस बार मिल रहा है। मैम एग्जीबिशन में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब ये 22 मार्च के बाद फर्स्ट एग्जीबिशन ही हम लोग अटेंड करने आए हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जी। तो हमने कहा एक बार ट्राई करके आए, देख के आए हम। मैम जैसे कि अभी करवा आने वाला है तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? करवा चौथ के लिए धूमधाम से तैयारियाँ हो रही हैं और ये जो क्लब वगैरह में फंक्शंस भी रेडी हो रही हैं तो बस बहुत अच्छा लगा। यही है कि अच्छा मतलब त्यौहार अच्छे निकले, हर तरफ धूम है कि करवा को लेकर कुछ अलग कॉन्सेप्ट वो लेके आए हैं, कहीं पे ये है कि दिवाली फेस्टिवल को लेकर कुछ अलग है, लेकिन आप पार्टी आइडियाज़ लेके आए हैं, डिफरेंट थीम है एक तरह से, तो इसके बारे में तो पूरी जानकारी दी। मैम जैसे कि आपको पता है कि एक साइड करवा चौथ भी और दिवाली फेस्टिवल भी स्टार्ट है, हमारा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जैसे कि पार्टीज़ आइडिया पे, तो इस पर अगर आप देखा जाए तो हमारी वेडिंग्स, किट्टी पार्टीज़ हो गई, बर्थडे पार्टी हो गई और थीम पार्टीज़ हो गई, हर तरह का कॉन्सेप्ट रेडी होता है। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज भी है पार्टी आइडियाज़ के नेम पे, अगर आप उसको ओपन करोगे तो आपको उस पर हमारी पिक्चर्स जो भी शेयर की हुई हैं हमने वो आप देख सकते हो, तो हमें आप कॉन्टैक्ट करके बुकिंग्स भी करवा सकते हो। थैंक यू। दो दिन की एग्जीबिशन थी, किस तरह का रिस्पॉन्स रहा? मैम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, तो कई ऑर्डर्स भी आए हैं, कई कईयों ने बुकिंग भी किया बर्थडे पार्टीज़ के लिए, जैसे आपको पता है फेस्टिवल सीजन है तो थीम पार्टी के लिए भी बुकिंग्स हुई हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था मैम। बहुत अच्छा। जैसे कि हर साल कोविड, मतलब इस बार कोविड का जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं है, हर साल की एग्जीबिशन और इस साल की एग्जीबिशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? मैम फ़र्क तो है वो तो मैं समझती हूँ, बट कि जैसे कि हमें रिस्पॉन्स मिला है कुछ ज़्यादा नहीं, जैसे कि पहले था सब पार्टीज़ भी करते थे, तो फ़र्क इतना है कि पहले थोड़ा सा ज़्यादा एरिया में होती थी गैदरिंग में, तो अब थोड़ा कम में है, एक जैसे कि वो कह रहे हैं कि घर में भी हम करवा सकते हैं, बट कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मतलब कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोविड का उतना इम्पैक्ट नहीं है? नहीं मैम। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। सूट्स के कलेक्शंस आपने देखी और हमने बातचीत भी की और जाना कि किस तरह की मतलब कि रिस्पॉन्स किस तरह का उनको रहा, और साथ में आप पहले एक नज़र ये डालिए इनकी कलेक्शंस पे, क्योंकि सूट्स पे सबसे ज़्यादा लेडीज़ को ये होता है कि हम किस तरह के कांटे पहने, किस तरह की ज्वेलरी वेयर करें, और करवा को लेकर तो खास एक्साइटमेंट होती है। तो ये जानते हैं सर, ये कलेक्शंस कहाँ से लेके आए हैं आप? ये सारी बॉम्बे से आई। बॉम्बे से आई और सूरत से। बॉम्बे और सूरत। हाँ जी मैम। दो दिन की एग्जीबिशन थी और करवा आगे आने वाला है, तो किस तरह का रिस्पॉन्स रहा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बहुत अच्छा रहा। हाँ जी। कोविड का जो इम्पैक्ट है इस साल एग्जीबिशन पे भी कहीं ना कहीं पड़ा है, तो फिर आपको क्या लगता है कि किस तरह का इम्पैक्ट रहा? इम्पैक्ट तो था जब तक कोविड था, अब उसके बाद धीरे धीरे सही हो रहा सब। हाँ जी। पूरी तरह से मतलब कि इम्पैक्ट तो कुछ नहीं, आपकी एग्जीबिशन काफ़ी अच्छी रही बाकी साल के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए तो? हाँ अभी सही है। सही है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जीबिशन में एक अलग स्टॉल देखने को मिला जहाँ पे हम अपने फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट हम करवा सकते हैं यहाँ पे। मैम अपने स्टॉल के बारे में बताइए। मैं हूँ अर्चना डिवाइन हीलिंग रेस से, आप आ सकते हैं, टारो और न्यूमरोलॉजी की मदद ले सकते हैं गाइडेंस आगे फ्यूचर के लिए, तो आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आप चेक करवा सकते हैं, अपना ऑरा चेक करवा सकते हैं, बिकॉज मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, कोई भी उपाय लेना हो उपाय ले सकते हैं आके। तो यहाँ पे इस एग्जीबिशन में कैसे मतलब कि आइडिया आया कि यहाँ पे अपनी स्टॉल इस तरह से लगाएं? मुझे 12-13 साल हो गए बैठते हुए, ये माध्यम है लोगों को मिलने के लिए, इट्स अ मीडियम टू गेट कनेक्टेड विद पीपल, बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पे परेशान है जी, लोगों को मदद मिले इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। जस्ट टू गाइड देम, जस्ट टू गाइड देम, जस्ट टू हेल्प देम। कोई स्पेशल मैसेज लोगों के लिए कोविड के इस दौर में? जस्ट डू अ लॉट ऑफ सिमरन, बहुत सारा पाठ पूजा करें और अपने गुरु पे विश्वास रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉस्मिक ब्लिंक्स दोबारा सारे लुधियाना का वेलकम कर रहे हैं जी।
करवा चौथ और वेडिंग भी एग्जीबिशन तैयार है, लास्ट डे इज गोइंग ऑन, फ्यू आवर्स आर लेफ्ट, सो कम सून। ऑलरेडी 50 तो ज़्यादा डिज़ाइनर इतने अवेलेबल ने, फुटवेयर, वेडिंग ड्रेसेज, लहंगाज, शराराज, एनी चीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर योर करवा एंड वेडिंग शॉपिंग। सो वी आर वेटिंग, प्लीज डू विजिट, कम फास्ट। नहीं, वी आर ऑलरेडी टेकिंग केयर विद दी ऑल दी SPOCs हैज़ बिन गिवन बाय दी गवर्नमेंट, जो भी उन्होंने बताया है, थर्मल चेकिंग, सैनिटाइजेशन, एवरीथिंग हैज़ बिन डन, सो विद मास्क दी एंट्री इज अवेलेबल, सो वी आर रिक्वेस्टिंग प्लीज डू फॉलो दोज गाइडलाइंस एंड विजिट दी एग्जीबिशन। मैम, ये जो स्टॉल लगाई गई है स्पेशल बच्चों की तरफ से, ये जो तैयार किया गया मटेरियल है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे? ये हमारा एक जो विकलांग बच्चों का स्कूल है जो कि वेस्टर्न मॉल के बैक साइड पे है, तो यहाँ पे काफ़ी डिसेबल्ड बच्चे हैं जो कि जिनकी पढ़ाई और जो भी उनको सामान बनाया सिखाया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कोई भी फीस नहीं देते, तो ये जो स्कूल है टोटली पब्लिक डोनेशन के हेल्प से ही चल रहा है। और जो ये महाराजा रेजेंसी, यहाँ पे जब भी एग्जीबिशन लगती है तो वो हमारे जो बच्चों के लिए एक टेबल जैसे आप दे सकते हैं, तो वो हमेशा ही देते हैं इनके सामान के लिए। तो ये कुछ एनवेलप्स हैं, प्लांट्स हैं जो आप देख सकते हो, तो ये बच्चों ने पॉट्स वगैरह पेंट करे हैं, आप देख सकते हैं। तो इन बच्चों ने जो चल नहीं सकते हैं बैठे बैठे व्हीलचेयर पे, तो इन्होंने पॉट्स वगैरह पेंट करके, प्लांट्स लगा के, डेकोरेट करके तो लगाए हैं, ताकि ये बच्चे समाज पर बोझ ना बन सके और सेल्फ डिपेंड बन सके ये बच्चे। तो मैं महाराजा रेजेंसी का भी थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने इन बच्चों के लिए जो हमें टेबल दिया, आगे भी ऐसे ही इन बच्चों के लिए ऐसे ही स्पेस देकर इनकी हेल्प करती रहे, थैंक यू। आज हम पहुँचे थे लुधियाना के महाराजा रेजेंसी में, जहाँ पे दो दिन की एग्जीबिशन लगी, आज दूसरा दिन था और लास्ट डे था, और एग्जीबिशन में क्या कुछ खास रहा ये भी आपने देखा, और साथ में हमने ये भी देखा कि कोविड का क्या कुछ इम्पैक्ट रहा, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा इन्हें, और बाकी कोविड का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो रहा एग्जीबिशन पे भी, और साथ ही अलग अलग कलेक्शंस हमें देखने को मिली, करवा को लेकर देखने को मिली, दिवाली को लेकर स्पेशल कलेक्शंस हमें देखने को मिली, दिल्ली, बॉम्बई, हर एक जगह से स्टॉल लगाए गए, हर एक जगह से कलेक्शंस ये लुधियाना पहुँची हैं और लुधियाना वासियों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। तो इसी तरह से आप जन हितैषी के साथ बने रहें और महाराजा रेजेंसी में आ सकते हैं और एग्जीबिशन में आके अपने फेस्टिवल को खास बना सकते हैं। धन्यवाद।